तो नमस्कार। तो दोस्तों यहाँ से ओते है जो हमारे तीतर पकड़ने की शुरुआत, हम तीतरों को कैसे पकड़ते हैं और कैसे वो जाली में आ जाते हैं, आज ये सारी प्रोग्रेस आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। जो भी तीतरों की वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर डलती है उसे हम कैसे बनाते हैं, कितनी मेहनत लगती है, किस तरह हमें जो तीतर मिलते हैं, तो आज आपको सारी इसके अंदर बताई जाएगी कितने कठिन तरीके से तीतर मिलते हैं और आप भी किस तरह पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो, ये हमारे मामा जो कि आड़सी हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत आड़सी मामा हैं हमारे, और दोस्तों उस तरफ पे हमारे पापा जो कि तीतर देख रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको देखा जा रहा है आगे खेतों की ओर तीतर, और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंसान भी हैं, इस कारण से दोस्तों तीतर मिल नहीं रहे। तो यहाँ पर जो अभी सामने की तरफ वो तीतरों को देखा जाता है, देखने के बाद दोस्तों हमें वहाँ पर तीतर नहीं दिखते हैं तो हम दोस्तों जंगल के और अंदर जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम जंगल के और अंदर चले जाते हैं, चलने के बाद में यहाँ से कुछ तीतर जैसा नज़र आता है उस खेत में, तो दोस्तों हम यहाँ से जाते हैं और काफ़ी घूम फिर कर हमें वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम सीधे गए तो यहाँ पर हमारे तीतर हैं जो भाग सकते हैं, जो यहाँ से उड़ जाएंगे, तो काफ़ी जो घूम फिर कर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप काफ़ी जंगल में हैं और लगभग हम उस खेत के पास पहुँचने वाले हैं, और यहाँ भी ये हमारे आड़सी मामा हैं, जितनी भी बार मैं इन्हें आगे करता हूँ ये पीछे ही रह जाते हैं। तो इस जंगल में जो वो खेत जो हमें कुछ तीतर यहाँ पर नज़र आए थे, और यहाँ पर देख सकते हो अब जो यहाँ पर दौड़कर जाना पड़ रहा है क्योंकि खेत के काफ़ी नज़दीक हैं हम उस खेत के जहाँ पर हमें तीतर नज़र आए थे, तो हमें काफ़ी दौड़कर जो यहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि वो तीतर उड़ ना जाए और कहीं छुप ना जाए। तो हमें काफ़ी मेहनत करती है, एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। तो यार इस बात के लिए चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने प्यारे हाथों से एक कमेंट कर देना। तो हम उस खेत के नज़दीक हैं, वो खेत ये रहा, और अब हम यहाँ से जो तीतर है वो देखेंगे। हमारे एक एक्सपर्ट आगे जा रहे हैं जो कि हमारे पापा जी हैं, और हमारे मामा तो आड़सी हैं, इन्हें फिर से आगे मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मामा जी चल रहे हैं और आगे आगे जो हमारे पापा जी हैं, तो अभी ये तीतर देखेंगे क्योंकि दोस्तों ये तीतर पकड़ने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और यही मेरी वीडियो बनवाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अब वहाँ से जो नीचे उतरकर इन झाड़ियों से तीतरों को देखा जाएगा, और हमें यहीं बैठा दिया जाता है, हमें दूर बैठा दिया जाता है क्योंकि हमें तीतर दिखते नहीं और हमारी वजह से वो उड़ जाते हैं, सिर्फ हम वीडियो बनाते हैं ओनली। तो वहाँ पर देख सकते हो जाली उनके पीछे है और दोस्तों पीछे लटक रही है, और यहाँ पर जो तीतर हैं दोस्तों जो वो उन्हें देखा जा रहा है। तो दोस्तों जब हमें यहाँ पर जो तीतर हैं वो नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर मिल जाता है हमें एक देसी मधुमक्खी का छत्ता। तो दोस्तों अब इस छत्ते को तोड़ने की प्रोग्रेस चलेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें तीतर तो नहीं मिलते हैं लेकिन अब मधुमक्खी के छत्ते को ही तोड़ा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर एक छत्ता लगा हुआ है, मैं आपको साफ नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास इतनी क्वालिटी वाला मोबाइल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे मामा जा रहे हैं उधर की तरफ जो कि छत्ते को तोड़ेंगे, और हमारे एक्सपर्टी एक ये रहे तीतर पकड़ने वाले छत्ते को भी तोड़ देंगे। इन्होंने जो तीतर पकड़ने की फंदी है वो एक तरफ रख दी है, उसके बाद जलाएंगे ये बीड़ी और बीड़ी के दूसरे तोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, गाँव में बिल्कुल इसी तरीके से जो यहाँ पर देसी मधुमक्खी का छत्ता है वो तोड़ा जाता। तो आज आपको ये भी बताएंगे कि देसी मधुमक्खी का जो छत्ता है वो किस प्रकार से तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो ली है हमारी जो बीड़ी है दोस्तों, उसको माचिस से जो लिया है, और अब यहाँ पर जो ये जा रहे हैं हमारी देसी मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने के लिए। जाल में है दोस्तों काफी कांटे हैं, देखते हैं टूट पाता है या नहीं। तीतर तो हमें मिले नहीं क्योंकि दोस्तों बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं दोस्तों यार तीतर। तीतरों किस प्रकार से देखा जाता है, और आपको इसी से रिलेटेड यदि आपको तीतर पकड़ना सीखना है और दोस्तों आपको तीतर की जाल बनाना सीखना है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने प्यारे हाथों से कमेंट कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर दुआ दिया जा रहा है, और जो हमारी मधुमक्खियाँ हैं वो काफ़ी तरीके से खज चुकी हैं, यानी कि वो अपने छत्ते
छत्ते से जो हमारी मधुमक्खियां हैं वो उड़ चुकी है और यहाँ पर मुझे अभी काटने का डर लग रहा है क्योंकि इनका डंक दोस्तों काफ़ी दर्द होता है। तो यहाँ पर जो अभी इनकी प्रोग्रेस चल रही है और प्रोग्रेस चलने के बाद में दोस्तों ये देखते हैं ना तो इनके पास धार वाला कुछ हथियार है जिससे ये इस जो ढाल को काट सकते हैं, बल्कि कुछ भी नहीं है, कटीली झाड़ियाँ हैं उनमें आंतों से मधुमक्खी का छत्ता है जो तोड़ा जा रहा है। तो देखते हैं कि तोड़ पाते हैं या नहीं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको तीतर के पकड़ना है, सीखना है, उसकी जाली बनाना है, किस प्रकार से वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना और प्यारे हाथों से एक कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों ये हमारा तीतर व्लॉग है जिसमें आपको जब भी हमारे तीतर के चैनल पर वीडियो अपलोड होगी तो इस चैनल पर भी होगी, किस तरह हमने जो तीतर पकड़े हैं, कहाँ मले, किस तरह आए और कितनी देर में आए। तो यहाँ पर देख सकते हो हमसे जो छत्ता भी नहीं टूटता है और काफ़ी शाम हो जाती है, तो ठंड भी काफ़ी लगने लग गई थी और अब हम हो रहे हैं घर की ओर रवाना। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म।